यूरोपीय व्यापारियों ने कहा है कि सऊदी अनाज संगठन यानी SAGO ने गुरुवार को अनुमानित 5,95,000 टन गेहूं खरीदने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की है। निविदा में मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा फिलहाल 11 नवंबर है। सऊदी अरब में गेहूं की खेप अप्रैल और जून 2023 के बीच मांगी गई है। इस निविदा के परिणाम 14 नवंबर को आने की उम्मीद है। निविदा 60,000 टन और 55,000 टन की खेप की श्रृंखला में भेजनी है। 10 अप्रैल से 25 जून के बीच जेदा, यानबू और दमन के 3 बंदरगाहों में से प्रत्येक के आगमन के लिए लगभग 1,80,000 टन गेहूं की मांग की गई है। 10 से 25 जून तक जिजान बंदरगाह में और 55,000 टन गेहूं की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।